बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एच आर आर्किटेक्ट्स में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रेविट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपकी जो वॉल्स की हाइट है, उसकी लेंथ है, उसको किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, किस तरह से वॉल्स की लेंथ को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से वॉल्स की लेंथ कम या ज़्यादा की जाती है, अपनी आज की इस वीडियो में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है आर्किटेक्चर, ये आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चर ऑप्शन में नीचे यहाँ पर बिल्कुल साथ ऑप्शन है वॉल, आप इस पर क्लिक करके भी वॉल यहाँ पर ला सकते हैं। और सेकेंडली होता है क्या, आपके पास कमांड है, एक कमांड क्या है, डब्ल्यू ए आप प्रेस करेंगे तब भी आपके पास यहाँ पर वॉल आ जाएगी। यहाँ पर हम अपनी एक वॉल ड्रॉ करते हैं, ये देखें, एक मैंने वॉल ड्रॉ की, एस्केप प्रेस करें, ये देखें, ये हमारी वॉल आ चुकी है। अब इसकी हाइट हमने सेट करनी है कि क्या है, क्या करेंगे, लेवल्स पे जाएंगे, ये हमारे लेवल्स हैं जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ये देखें, ये हमारे लेवल्स हैं। अब अगर आप देखते हैं तो लेवल हमारे पास दो हैं यहाँ पर, लेवल 1 लेवल 2 है हमारा 10 फीट पे, लेकिन हमारी वॉल है जो वो लेवल 2 से भी ऊपर चली गई है। ये देखें, यहाँ पर लेवल 2 से भी हमारी वॉल ऊपर जा चुकी है। तो अब हमने इसे सेट किस तरह से करना है, इसे सेट करने का सिंपली सा तरीका है, अपनी इस वॉल को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है टॉप कॉन्स्ट्रेंट, ये देखें आपके पास लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ में इसकी आपके पास ऑप्शन होगा टॉप कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर क्या दे रहा है आपके पास, अनकनेक्टेड है आपकी वॉल इस वक्त, अनकनेक्टेड है। इस पर जस्ट आपने क्लिक करना है, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने अपनी वॉल को किस लेवल तक लेके जाना है। आपने क्या करना है, अप टू लेवल 2, क्योंकि हमारे पास लास्ट लेवल 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, अप टू लेवल 2 पे क्लिक करेंगे, इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये देखें, आपकी वॉल ऑटोमेटिकली लेवल 2 तक आ चुकी है। इस तरह से आप अपनी वॉल की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और वॉल हम इस तरह से यहाँ पर बनाते हैं, और हम क्या करते हैं कि अपने लेवल में एक और लेवल का इजाफा करते हैं। मैंने बताया था किस तरह से लेवल्स को क्रिएट किया जाता है, आप मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा लेवल 3 आ गया। हम यहाँ पर एक और वॉल क्रिएट करते हैं, वॉल पे क्लिक किया, ये हमारी वॉल आ गई। अब क्या हो गया कि देखें, ये वॉल भी हमारी अनकनेक्टेड है, जबकि इस वॉल को आप सेलेक्ट करें तो ये अप टू लेवल 2 है। इसे सिलेक्ट करें, अनकनेक्टेड है, यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, लेवल 3 तक ले जाते हैं। अब क्या करें, सिंपली 3D व्यू में जाएं, ये देखें, ये आपकी वॉल लेवल 3 तक है। आप इसके लेवल्स में जाके भी चेक कर सकते हैं, ये देखें, ये आपकी फ़र्स्ट वॉल थी, ये यहाँ पर आपको दे देगी ऑप्शन अप टू लेवल 2। ये जो वॉल हमने बाद में बनाई है, इसे मैंने क्या किया था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके टॉप कॉन्स्टेंट लेवल जो इसका था वो मैंने लेवल 3 रख दिया था, ये लेवल 3। इसे भी आप लेवल 2 पे करेंगे तो क्या होगा, लेवल 2 तक आ जाएगी, लेवल 3 पे करेंगे लेवल 3 पे आ जाएगी। इस तरह से आप अपनी वॉल्स की हाइट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इसे सीख सकते हैं कि किस तरह से वॉल्स को क्रिएट किया जाता है और इनकी हाइट को और लेंथ को सेट किया जाता है। ये देखें, अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं, हाइट का तो आपको पता चल गया कि वॉल्स की हाइट को किस तरह से सेट किया जाता है, अब इसकी लेंथ आपने चेंज करनी है, इसकी लंबाई आपने चेंज करनी है। ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर, ये देखें, डायमेंशन इसकी शो हो जाएंगी। अब इस पर आप एरो लेके जाएंगे तो आ जाएगा एडिट डायमेंशन लेंथ, इस पर आप क्लिक करें,
आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए आप उतनी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 26 फीट 6 इंचीज़ है, मैं इसे करता हूँ 35 फीट, इंटर करता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ जो है चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।